और यही सही टाइम है, यही सही मौका है कि मैं डिसाइड कराऊँ कि मैं खुद के लिए जो मैं करूँगा डेफिनेटली। सो आई होप कि ये 12 वीक मेरे लिए सबसे ज़्यादा टारगेटेड रहेंगे। हे व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। हाँ, ये कोई व्लॉग नहीं है, बस ऐसा ही मन कर रहा था आप सभी के साथ थोड़ी बातें कर लूँ, तो बस वीडियो ऑन कर दी क्योंकि आजकल कोई कंटेंट नहीं है मेरे पास भाई। व्लॉग बनाना थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। एक हफ्ते से मैंने ट्राई तो कर रहा हूँ कि व्लॉगिंग करूँगा, हर रोज़ कुछ ना कुछ शेयर करूँगा आपके साथ, बातें करना मुझे भी पसंद है, बट उतना टाइम भी नहीं मिल रहा। सो हो रहा है ऐसा कि बहुत सारे ख्याल दिमाग में घूम रहे हैं, कंटिन्यूसली ओवरथिंक कर रहा हूँ और बहुत पेचीदा हो रहा है। मैं जिम आने के पहले मैं जस्ट अपना गूगल फ़ोटोज़ चेक कर रहा था और वहाँ पे मुझे मेरे कुछ पुराने फ़ोटोज़ दिखे, पुराने वीडियोस देखे मैंने, और अब ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा, मतलब एक अच्छा डिसिप्लिन लाइफ था मेरा, बहुत अच्छी चीज़ें जा रही थी। आई थिंक अप्रैल में, लास्ट अप्रैल 2022, मतलब यही साल मैंने मेरा फ़ोटोशूट किया था, तभी एक अच्छी कंडीशन वगैरह लेके आया था। मैं यहाँ पे वीडियो डाल दूँगा कि मैं तभी कैसा दिख रहा था, और फिर मैंने बस मेरा खुद को आईने में देख लिया और फिर आई कैन लाइक रियलाइज़ हुआ कि मैं मेरे अच्छे कंडीशन के साथ था और आज मैं कैसा हूँ। मैं दोनों वीडियो डाल दूंगा यहाँ पे। बहुत खुद को देखने के बाद बहुत बुरा लग रहा है, आई थिंक यही सही टाइम है कि मैं खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूँ। मैंने सीधा मेरे जो न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, उनको मैसेज डाला कि मैम ऐसा ऐसा है, मैं खुद को आईने में मुझे देखने में मतलब बहुत अजीब लग रहा है। एक अच्छी कंडीशन थी मेरी और जो लास्ट मेरे 3-4 महीने जो गए उसमें मेरा एक्सीडेंट वगैरह होने के बाद, जो मैंने पहले भी वीडियो में, मेरे पहले ब्लॉग में भी बताया था कि मेरा एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, उसके बाद जो मेरी हालत ख़राब होते जा रही है और ना शेड्यूल है कुछ, लाइफ डिसिप्लिन है कुछ भी नहीं। आई थॉट यही सही टाइम है, यही सही मौका है कि मैं खुद को फिर से ट्रांसफॉर्म करूँ। सो मैं डिसाइड कराऊँ कि मैं खुद के लिए जो मैं दूसरों को ट्रेन करता हूँ, तो एटलीस्ट मैं एक टारगेट रखता हूँ उनके लिए कि उनके गोल थ्रू एक अचीवमेंट के लिए मैं उनको ट्रेन करूँ, उनके एक लाइफस्टाइल क्रिएट करूँ, और शायद अभी मुझे वो सारी चीज़ें करनी है और मैं करूँगा डेफिनेटली। सो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने उनके साथ डिस्कस किया और फिर हमने डिसाइड किया है कि मैं 12 वीक के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म करूँगा। एक 12 वीक पूरा डिसिप्लिन लाइफ, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर रेस्ट लेने की कोशिश करूँगा और आई होप मैं मेरा बेस्ट दे सकूँ। इसके पहले भी मैंने 2 बार ट्रांसफॉर्म किया है खुद को अच्छे तरीके से। एक बार जो लास्ट अप्रैल में ट्रांसफॉर्म किया था वो मैंने पर्सनली, मेरा फ़ोटोशूट मैंने रखा था उसके लिए मैंने करा था, बट इस टाइम पे मेरे पास एक कोई ऐसा पर्टिकुलर टारगेट नहीं है। जैसे लास्ट टाइम मैंने फ़ोटोशूट के लिए किया था, उसके पहले मैंने जो किया था वो
बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए किया था, बट इस टाइम मेरे पास कोई टारगेट नहीं है। सो आई होप कि ये 12 वीक मेरे लिए सबसे ज़्यादा टारगेटेड रहेंगे। इस 12 वीक में मैं मेरी पूरी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं क्या मील ले रहा हूँ, मेरा वर्कआउट प्लान क्या रहेगा, मेरा डाइट प्लान क्या रहेगा, मेरा रूटीन कैसे जा रहा है। क्योंकि आई थिंक 12 वीक मतलब ऑन एन एवरेज मैं फेब मिड तक मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा खुद को। सो अब तक जैसे आपने मुझे सपोर्ट करा है, मेरे वीडियोस को पसंद करा है, आई होप कि आगे की जर्नी में जैसे डालते जाऊँगा, मैं ट्राई करूँगा कि ये जो जर्नी है मैं हर रोज़ आपके साथ शेयर करूँ, हर रोज़ ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँ और पूरे इन डिटेल्स में मैं बताऊँ। अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेरीज रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे उस रिलेटेड जो मैं कर रहा हूँ, या कोई भी फिटनेस के रिलेटेड या मेरे लाइफस्टाइल के रिलेटेड कोई भी सवाल रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। और अब तक जैसे आपने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे वीडियोस को पसंद किया है, वैसे ही करते रहो। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आप सभी के साथ कनेक्टेड रहूँ और ये सफ़र हम सब साथ मिलके पूरा करें। क्योंकि अगर आप में से एक पर्सन भी मेरी वजह से इंस्पायर हो रहा है तो ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट रहेगी। मेरी जर्नी देखिए, अगर कोई आप में से एक बंदा भी कुछ करने की कोशिश कर रहा है अपनी ज़िंदगी में इंस्पायर होके, सो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, ये एक अचीवमेंट रहेगी मेरे लिए। सो आई होप, बस मुझे कुछ ज़्यादा बातें नहीं करनी है, ना ही मुझे कुछ ज़्यादा बातें करनी पसंद भी नहीं है एक्चुअली। जो मैं मेरे ज़िंदगी में जी रहा हूँ, जो हॉनेस्ट मैं कर रहा हूँ मेरे लाइफ में, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करता हूँ। दैट्स इट। आई होप आपको मेरे वीडियो जैसे पसंद आ रहे हो वैसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहोगे। और प्लीज़ अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते होंगे तो किसी एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना और हम ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।